नमस्कार, वेब दुनिया खेल समाचारों में आपका स्वागत है। 28 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली टक्कर विश्व कप की सबसे बड़ी टक्कर मानी जा रही है। वर्ल्ड कप 2015 अभी तक ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ खास नहीं रहा है। जहां टीम एक मैच जीत चुकी है तो वहीं एक मैच बारिश के कारण रद्द हो गया, इसके चलते उसे मैच पॉइंट बांटने पड़े। फिलहाल इस बार यह मुकाबला दोनों होस्ट टीमों के बीच है, इसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एक दूसरे को टक्कर देती नजर आएंगी। हालांकि न्यूजीलैंड की बेहतरीन फॉर्म को देखकर इस मैच के रोमांच का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच वनडे मैच हमेशा से ही रोमांचकारी रहा है, ऐसे में जब बात वर्ल्ड कप मैच की हो तो इसका इंटरेस्ट लेवल और बढ़ जाता है। वर्ल्ड कप में अभी तक दोनों टीमें 8 बार आमना सामना कर चुकी हैं, जिसमें की 6 बार ऑस्ट्रेलिया और 2 बार न्यूजीलैंड को जीत मिली है। अब इन आंकड़ों के अनुसार तो ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी लगता है, लेकिन न्यूजीलैंड की मौजूदा फॉर्म को देखते हुए यह मुकाबला काफी कड़ा हो सकता है। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने अभी तक तो अच्छा परफॉर्म किया है, अब यह देखना होगा कि ऑस्ट्रेलियाई पेस का सामना किस तरह करते हैं। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया को तो कमतर नहीं आंका जा सकता। आंकड़ों में नजर डालें तो इस मैच में न्यूजीलैंड का पलड़ा भी भारी दिखता है। हालांकि स्कॉटलैंड के खिलाफ उसके बल्लेबाजों की पोल खुल गई थी। स्कॉटलैंड के खिलाफ सिर्फ केन विलियमसन और ग्रांट इलियट ही कुछ रन बनाने में कामयाब हो पाए थे, जबकि मार्टिन गप्टिल, ब्रेडन मैकुलम, रॉस टेलर और कॉरी एंडरसन स्कॉटलैंड के बेहद साधारण अटैक के सामने सस्ते में सिमट गए। ऐसे में उसे ऑस्ट्रेलिया बॉलर्स से सतर्क रहना होगा। हालांकि न्यूजीलैंड के बॉलर्स अब भी फॉर्म में हैं, खासतौर पर टीम साउदी इस समय पूरी तरह लय में है और इस समय टूर्नामेंट की लीडिंग विकेट टेकर्स हैं। वहीं वेटोरी, ट्रेंट बोल्ट और कोरी एंडरसन भी इम्प्रेसिव साबित हुए हैं। न्यूजीलैंड को उसकी मौजूदा फॉर्म का भी फायदा मिलेगा। न्यूजीलैंड के लिए प्लस पॉइंट यह भी है कि वह अभी तक अपनी तीनों मैच जीत चुकी है, जिसके चलते टीम का मनोबल सातवें आसमान पर है और टीम पूरी तरह से लय में दिख रही है। तो ये थे आज के वेब दुनिया खेल समाचार। वर्ल्ड कप से जुड़ी खबरों को पढ़ने के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।